बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रीवियस लेक्चर जो था हमने उसमें ये कवर कर लिया था कि बोर्ड कनेक्शन का हमने एनालिसिस का पोर्शन देखा था। इन दिस लेक्चर हम बोर्ड कनेक्शन का डिज़ाइन देखेंगे। एक से दो प्रॉब्लम ही है बट उसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट मोर लेस सेम ही है। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं। सो ये पहला प्रॉब्लम है, हमने इसमें बोर्ड कनेक्शन का डिज़ाइन करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 5x8 इंच थिक टेंशन मेंबर, एक टेंशन मेंबर है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। ये अब आपको टेंशन मेंबर प्लान में नजर आया। बेसिकली हो क्या रहा है कि इस कनेक्टेड टू, पहले मैं एक स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5x8 थिक टेंशन मेंबर इज कनेक्टेड टू 2 1/4 इंच स्प्लाइस प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। एक टेंशन मेंबर ये है, ठीक है, और यही एक टेंशन मेंबर है, ठीक है, और इसको बेसिकली हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं यूजिंग स्प्लाइस प्लेट्स। ये एक प्लेट ऊपर की तरफ आएगी, बेसिकली ये टेंशन मेंबर है, ठीक है, इनके दरमियान गैप है, मतलब ये एक पार्ट है, ये दूसरा पोर्ट है पार्ट है, और उसमें जब हमने ज्वाइन करना है यूजिंग स्प्लाइस प्लेट थी, तो ये पहली वाली स्प्लाइस प्लेट ये एक आ जाएगी और एक और स्प्लाइस प्लेट आ जाएगी, और फिर हम इनमें से जो बोल्ट्स हो जाएंगे वो ड्रिल करेंगे। बोल्ट्स अगर मैं ड्रिल करना चाहूँ, इफ दिस इज द टेंशन मेंबर, इफ दिस इज द टेंशन मेंबर, और मुझे अगर इधर होल्स ड्रिल करने हैं, तो मैं अगर प्लान में ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो एक लाइन ऑफ बोल्ट इधर आ जाएगी, एक लाइन ऑफ बोल्ट इधर आ जाएगी, लेट्स से एक इधर आ जाती है, एक इधर आती है, ये डॉटेड लाइन आपको अगर आपको ये शो हो सकें, तो दीज आर द डॉटेड लाइन्स। ये लाइन ऑफ जो है ये बोल्ट शो कर रही है, ये एक पार्ट है टेंशन मेंबर का, ये दूसरा मेंबर पार्ट है टेंशन मेंबर का, और दीज आर जॉइंट यूजिंग स्प्लाइस प्लेट्स। ये पहली प्लेट है ऊपर की तरफ और ये दूसरी प्लेट है नीचे की तरफ, ये स्प्लाइस प्लेट्स हैं। इनकी थिकनेस दी हुई है, स्प्लाइस प्लेट्स की थिकनेस है 1/4 इंच, टेंशन मेंबर की थिकनेस है 5x8 इंच। द लोड शो ना सर्विस लोड, लोड्स हमें गिवन है, डेड लोड और लाइव लोड। A36 स्टील है, 5x8 इंच डाया यूज़ करना है हमने बोल्ट का, और आपने क्या करना है, A325 बोल्ट हो जाएगा। बोल्ट की टाइप बताई हुई है, उनका टाइप बताया हुआ है। इफ़ स्लिप इज परमिसिबल, स्लिप इज परमिसिबल का मतलब क्या है, स्लिप क्रिटिकल नहीं है, स्लिप परमिसिबल है मतलब दूसरा नॉर्मल कनेक्शन है, बेयरिंग टाइप कनेक्शन है। अगर लिखा होता है इफ़ स्लिप इज क्रिटिकल, तो फिर हम स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन की तौर पर हम इसको डिज़ाइन करते हैं, जो कि मैं प्रीवियस हम एनालिसिस वाला प्रॉब्लम एक कर चुके हैं। हाउ मैनी बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो बेसिकली आपने बताना ये है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए आपको, कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं इस कनेक्शन के लिए, आपने इस कनेक्शन का डिज़ाइन करना है। आपको बोल्ट का ये बता दिया कि A36 आप अपने तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको फिक्स कर दिया कि भाई A325 बोल्ट यूज़ करो और उनका डाया ये रखो, और आपने ये बता देना कि इस कनेक्शन के लिए नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए। अब आपसे स्ट्रेंथ नहीं रिक्वायर कर रहा, और उसके अलावा ये मेक श्योर करना है कि ताकि जो लोड्स आ रहे हैं वो सस्टेन हो सकें। ईच बोल्ट सेंटर लाइन शोन रिप्रेजेंट अ रो ऑफ बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द प्लेट, ये आपको ये दिखा रही है। अगर आप इसका प्लान देख सकें, ये तो प्लान है, और अगर इसको मैं साइड से, अगर इसका साइड से देखोगे, अगर इधर खड़े होकर देखें, तो सामने आपको फ्रंट व्यू कुछ ऐसे नज़र आएगा कि ये एक टेंशन मेंबर है, ठीक है, दूसरा टेंशन मेंबर ये है, ठीक है, और एक इनके, अब उस तरफ अगर ये नज़र आ रहा है आप इस तरफ खड़े हैं, तो एक इधर स्प्लाइस प्लेट आ जाएगी और एक इसके ऑपोजिट एंड पर आ जाएगी, और फिर हम इनमें से होल ड्रिल करना शुरू कर देंगे। ये होल होगा, ये हो जाएंगे होल, ये होल होंगे और ये होल आ जाएंगे, इस तरीके से ये लाइन ऑफ बोल्ट्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स बताने के, कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं, चूँकि आपको इन्होंने बता दिए कि दो लाइन, एक लाइन ऑफ बोल्ट ये है, एक लाइन ऑफ बोल्ट ये दो डॉटेड लाइन, इसी तरीके से इधर भी एक डॉटेड लाइन, ये और ये, तो चार लाइन ऑफ बोल्ट्स हैं, स्प्लाइस प्लेट्स एक इस तरफ और एक इसके ऑपोजिट एंड पर ऐसे ज्वाइन हुई पड़ी होगी, और ये आपने इस तरीके से बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन में ये होगा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अच्छा ये एक एग्जांपल ही है कि इसमें जो बोल्ट्स ड्रिल हुए पड़े हैं ये कौन सा है, वन वे शेयर एक्सपीरियंस कर रहे हैं या टू वे शेयर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बेसिकली प्लेट ये एक टेंशन मेंबर है, तो इसकी एक साइड पर भी प्लेट है और दूसरी साइड पर भी प्लेट है, तो दो ये इस तरीके से बोल्ट्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो टू वे शेयर, ठीक है, डबल शेयर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बेसिकली ये एक प्लेट है, तो ये जब बोल्ट ड्रिल हो रहा है तो एक इस जगह पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये बोल्ट, ये जो बोल्ट अगर मैं इस तरीके से बना दूं, और एक इस जगह पर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जितनी भी टोटल फोर्स है, ठीक है, लेट्स से 10 के, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 फेयर एंड 5 फेयर, तो बेसिकली क्या है, इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, ये जो बोल्ट यूज़ कर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर इस पर टू वे शेयर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो ये टू वे शेयर है। अगर सिर्फ एक साइड पर स्प्लाइस प्लेट होती, अगर एक साइड पर प्लेट ही होती, तो फिर जैसे गजर प्लेट होती है नॉर्मली कि हम ये एक प्लेट होती है और हम इसको गजर प्लेट से अगर ज्वाइन कर रहे होते, ये इस तरफ गजर प्लेट खाली एक होती और हम उसको बोल्ट ड्रिल कर रहे, तो ये सिर्फ वन वे शेयर होता, बट अगर इधर दोनों साइडों पर प्लेट आ गई है तो फिर टू वे शेयर हो जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले तो हमने इसकी शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि एक बोल्ट की शियर स्ट्रेंथ कितनी होगी। ये जो बोल्ट हमें उसने बताया इसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी है, फिर हम उसकी बेस पर देखेंगे कितने हमें बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं। तो एक बोल्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय फोर। डी हमें पता है 5/8 इंच, ठीक है, डिवाइड बाय फोर कर दिया तो हमें एक बोल्ट का एरिया पता चल गया। अज्यूम दैट द बोल्ट थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शियर। हमें उसने ये नहीं बताया कि जो बोल्ट्स हैं उनकी टाइप क्या है, एन टाइप है या एक्स टाइप है, मतलब इन द प्लेन ऑफ शियर है या विदाउट द प्लेन ऑफ द शियर। तो हम जो कम वाली स्ट्रेंथ है हम वो एन टाइप कंसिडर कर देते हैं। अज्यूम दैट द बोल्ट थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शियर, उसकी वजह से एफ एन वी की वैल्यू चेंज होती है, हम कम वाली वैल्यू यूज करेंगे। देन द नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर द वन बोल्ट इज, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ एन वी इंटू ए बी, ठीक है, कि नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट मल्टीप्लाई बाय बोल्ट का एरिया। बट ये होता है जब सिर्फ एक प्लेन ऑफ शियर हो, अगर दो प्लेन ऑफ शियर होंगे तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ बेसिकली शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैंने आपको ये बताया कि एक बोल्ट को हमने फर्दर दो हिस्सों में, हमने इसको लेट्स अगर मैं ये फोर्स आ रही है तो हमने इसका रिएक्शन दो जगह पर डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से इसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम इसको अगर एक प्लेन ऑफ शियर होता तो हम एक पे करेंगे, अगर दो प्लेन ऑफ शियर हो गए तो हमने इसको दो प्लेन ऑफ शियर तो मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे। तो सिंपली एफ एन वी दैट इज 48, अगर ए 325 बोल्ट है उसकी एफ एन वी होती है फॉर द एन टाइप बोल्ट थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ शियर। अगर ना केवन हो कि एन टाइप है या एक्स टाइप है तो आपने एन टाइप ही कंसिडर करना है, काम वाली यूज़ करनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोल्ट का एरिया आपको पता है मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया बिकॉज डबल शियर की एग्जाम्पल है, तो 29.45। ये आ गई आपके पास एक बोल्ट की स्ट्रेंथ, नॉमिनल स्ट्रेंथ फॉर द वन बोल्ट, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं बेयरिंग पे। अब हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, तो सोचते हम टोटल स्ट्रेंथ इसकी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है कि एक बोल्ट इतनी उसकी शियर स्ट्रेंथ है, इतना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है। इसी की बेस पर हम फिर टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स आगे डिसाइड करेंगे। अब हम आ जाते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या हो जाएगा, बेयरिंग स्ट्रेंथ होती क्या बेसिकली, बेयरिंग स्ट्रेंथ हम ये देखते हैं कि भाई किसकी थिकनेस कम है उसी की हम क्रिटिकल करते हैं। अब एक टेंशन मेंबर पे फोर्स आ रही है, ठीक है, उस वजह उसमें बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक ये जो हमारे पास जो स्प्लाइस प्लेट्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ऑब्वियसली हम ये करेंगे कि दोनों की एक स्ट्रेंथ हो जाएगी 5/8, मतलब जो टोटल लोड एक्सपीरियंस कर रही है इस डायरेक्शन में वो एक टेंशन मेंबर एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसकी थिकनेस कितनी है 5/8। और रिएक्शन क्या आ रहा है, रिएक्शन इन स्प्लाइस प्लेट्स में आ रहा है इन जगहों पर, ठीक है। तो बेयरिंग या तो टेंशन मेंबर भी हो सकती है या इन स्प्लाइस प्लेट्स में हो सकती है। तो हम टोटल एक टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी है 5/8 इंच, और दो स्प्लाइस प्लेट्स की थिकनेस मिला के देखेंगे टोटल इनकी थिकनेस कितनी बन रही है। अगर एक प्लेट की थिकनेस बन रही है 1/4, ठीक है, और दो की कितनी बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, सो दैट वुड बिकम हाफ इंच हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्प्लाइस प्लेट की थिकनेस कितनी है 1/2 इंच, और टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी है 5/8 इंच, मतलब वो 5/8 इंच थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1/2 से। अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ राउंड अबाउट, मैं क्या कहूँ कि ये अगर 1/2 इंच होता है 0.5 होता है, ठीक है, और आप 5/8 इंच निकालें तो 0.5 से ज़्यादा ही होगा, वो तकरीबन आ जाएगा अगर उसको डिवाइड कर दें तो वो 0.625 बन रही होगी, ठीक है। तो आपके टेंशन मेंबर की थिकनेस कितनी है 0.625, जबकि आपके टोटल दोनों प्लेट्स की थिकनेस मिला लो 1/4 1/4, इन दोनों को मिला लिया तो 1/2 इंच बन गया, तो 1/2 इंच इसकी कम है और टेंशन मेंबर की ज़्यादा है। तो क्रिटिकल कौन सा हुआ, स्प्लाइस प्लेट फिर भी क्रिटिकल है, ठीक है, स्प्लाइस प्लेट्स दोनों की थिकनेस मिला के 1/2 इंच बन रही है, और जबकि टेंशन मेंबर की जो थिकनेस है 5/8 इंच है, तो जो कम वाली होगी वही क्रिटिकल होती है, उसी की बेयरिंग स्ट्रेंथ बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे। और ये सारी थ्योरी लिखी हुई है इस चीज़ में, ये बेयरिंग वाली की, द बेयरिंग फोर्स ऑन 5/8 थिक टेंशन मेंबर विल बी ट्वाइस एज लार्ज एज द बेयरिंग फोर्स ऑन ईच ऑफ द दिस बिकॉज द टोटल लोड ऑन द स्प्लाइस इज सेम, ठीक है। तो टोटल लोड टेंशन मेंबर पे उतना ही है जितना फॉर द स्प्लाइस प्लेट्स है। टू बी क्रिटिकल द टोटल स्प्लाइस प्लेट थिकनेस मस्ट बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द टेंशन मेंबर, जो कि कम है, ठीक है, एंड इट इज, ठीक है, थिकनेस कम है, सो यूज अ होल डायल। अब आपने क्या करना है, बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन द स्प्लाइस प्लेट थिकनेस। तो पहले तो हमें उसके लिए चाहिए क्या, होल का डाया चाहिए। होल का डाया के लिए क्या करेंगे, डाया ऑफ बोल्ट हमें पता है, ठीक है, दैट इज 5/8, उसमें 5/8 बोल्ट का डाया प्लस 1/16 कर लिया तो होल का डाया हो गया। अब फॉर द होल्स नियरेस्ट द एज ऑफ द, अब देखिए हमने ये स्प्लाइस प्लेट है, जैसे कि ये स्प्लाइस प्लेट है दोनों, तो इनके पहले तो एज की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। हमने दो हिस्से कर लिए स्प्लाइस प्लेट के, एक ये पोर्शन हो जाएगा और एक ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, हम सिर्फ एक के लिए डिज़ाइन करेंगे और वही दूसरे वाले हाफ के लिए, राइट लेफ्ट वाले हाफ के लिए भी हो जाएगा। तो अगर इस वाले पोर्शन की देखें, ठीक है, और एक बोल्ट इधर ड्रिल हो रहा है,
और एक बोल्ट इधर ड्रिल हो रहा है, तो ये इसकी एज बेयरिंग स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और फिर इस वाले बोल्ट के लिए ये जो ये वाला मार्क ऊपर, इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए कौन सा हो जाएगा, ये सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस होगा। तो पहले एज की बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद सेंटर वाली की बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो एज के लिए क्या करेंगे, 1.5 माइनस हाफ होल्ड आया जैसे हम पहले ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्लियर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, जो एज डिस्टेंस है 1.5 उसमें से हाफ होल्ड आया माइनस करोगे तो ये आपके पास क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मैं दिखा सकूं, क्लियर डिस्टेंस इसका ये आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर में से होल का हाफ होल का डाया माइनस किया तो ये आपके पास एल सी क्लियर डिस्टेंस आ जाएगा, वो 1.5 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक हो गया जी। जब ये कैलकुलेट हो गया तो बस उसके बाद फार्मूला सिंपली यूज़ करना है। फार्मूला क्या था, 1.2, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, एल सी दैट इज़ ये हम फाइंड कर चुके, टी टी इज़ द थिकनेस, और थिकनेस किस चीज़ की, स्प्लाइस प्लेट की। तो सिर्फ एक प्लेट की थिकनेस नहीं करेंगे, दोनों प्लेट्स की थिकनेस ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्शन फोर्स किस में आ रही है, टेंशन मेंबर में, ठीक है। जैसे मैं प्रीवियस अगर फिगर बना हुआ है, और टेंशन रिएक्शन फोर्स किस में आ रही है, इन दोनों में आ रही है, तो इन दोनों की थिकनेस मिला के वो रिएक्शन बन रहा होगा। सो इस वजह से आप क्या करेंगे, 1/4 1/4 दोनों स्प्लाइस प्लेट्स की थिकनेस ऐड कर दी, इनटू एफ अल्टीमेट कर दिया, आपके पास आर एन आ गया। ये तो आ गया पहले फार्मूला से। अब दूसरे फार्मूला से कैलकुलेट कर लो, 2.4। डी क्या है, डी इज़ द डाई ऑफ द बोल्ट, जैसे हमें ये पता है। टी क्या है, टी इज़ द थिकनेस, फिर 1/4 1/4 ऐड कर दिया दोनों को, और 58 आ जाएगा, तो 43.1। अब इनमें से कम कौन सा है, 40.23 और 43.51, तो ये कम है, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, नहीं चाहिए 40.23। ये बाय मिस्टेक इसने इधर लिख दिया, टाइपिंग एरर है, 43.51 लिख दिया, हालांकि इसको लिखना ये चाहिए था 40.23। तो एच ऑफ द प्लेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है फॉर दिस बोल्ट, एक बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 40.23। ये देख लें, मतलब जो हम बोल्ट इधर ड्रिल करेंगे इस जगह पर, उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है इस वाले पोर्शन के लिए, एच के लिए कितनी है, 40.23। याद रखिएगा हम पर बोल्ट की कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पर बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, 29.45, इधर एज वाले बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, 40.23। अब जो सेंटर वाले बोल्ट होंगे उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर माइनस एक होल का डाया माइनस करोगे, तो 3 सेंटर टू सेंटर है, माइनस एक होल का डाया माइनस किया, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और फिर उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1.2 एल सी टी वही रहेगा, एफ अल्टीमेट वही रहेगा, 80.49। दूसरे वाले फार्मूला से कैलकुलेट करोगे, वो यही वैल्यू रहेगी, 43.51, तो वो ये कैलकुलेट कर लिया। अब इनमें से कम कौन सी है, 80.49 और 43.51 में से ये कम है, तो हम 43.51 फॉर दिस बोल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स एज बोल्ट के लिए जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है, ये जो हम इस एज पे ड्रिल करेंगे, उनकी जो बेयरिंग स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना सकूँ, ये इस तरीके से बनी हुई है टेंशन मेंबर, और इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, ये ऐसे मैं ये कह सकता हूँ कि स्प्लाइस प्लेट है, ठीक है। तो ये जो एज वाले बोल्ट होंगे, ये वाला एज वाला, और एक ये सेंटर वाला होगा, ठीक है। तो ये एज वाले की जो बेयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, उसकी हम कैलकुलेट कर ली, और सेंटर वाले कैलकुलेट कर ली। अब इन दोनों की देख लो, एच वाले की बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 40.23, ये पर बोल्ट, सेंटर वाले के लिए 43.51, ठीक है। और उधर एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, 29.45। अब हमें ये नहीं करना कि इनकी ऐड करनी है कि एच वाले और सेंटर वाले की, हमने सिर्फ देखना कि एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। द शेयरिंग स्ट्रेंथ पर बोल्ट इज स्मॉलर देन द बोथ ऑफ दिस बेयरिंग वैल्यू, मतलब एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कितनी है, 29.45, और वही बोल्ट अगर कॉर्नर वाला है तो उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ इतनी है, और अगर वो सेंटर वाला है तो उसकी इतनी है। तो इनमें से जो कम वाली वैल्यू है वो यूज़ करेंगे, मतलब कम से कम एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है। तो वो है शेयर स्ट्रेंथ। तो डिज़ाइन इस वजह से, द शेयरिंग स्ट्रेंथ पर बोल्ट इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ दिस बेयरिंग वैल्यूज एंड फोर कंट्रोल एंड देयर फोर कंट्रोल्स, तो हम एक बोल्ट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर ऑब्वियसली स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 0.75, तो इंटू 29.45 आपके पास एक बोल्ट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। मैं एक बार हल्के से रिपीट कर दूँ, पहले एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, फिर कॉर्नर वाले बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ मालूम करनी है, फिर सेंटर वाले बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ मालूम करनी है, फिर कंपैरिजन ड्रॉ कर लेना है कि इनमें से स्ट्रेंथ कौन सी कम है। जो स्ट्रेंथ कम होगी उसको यूज़ करना है टू फाइंड आउट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ, वो कैसे, उसको फर्दर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक बोल्ट की आपके पास स्ट्रेंथ आ गई, और दैट इज़ बेस्ड ऑन द शेयर, चूँकि ये यूज़ कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपका रिक्वायर्ड लोड कितना है, आपका जो फैक्टर लोड कितना आ रहा है, 1.2 डेड, 1.6 लाइव, तो डेड कितना है, 25 गिवन है, हमें लाइव भी 25 है, तो टोटल हमारा लोड कितना है, 70 किप्स।
टोटल लोड जो हमने बर्दाश्त करना है वो 70 किप्स है, और एक जो बोल्ट है वो कितना लोड सस्टेन कर सकता है, दैट इज 22.09। तो टोटल लोड डिवाइडेड बाय वन बोल्ट लोड कैपेसिटी, तो हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने आ जाएंगे, 3.17 बोल्ट्स। कि भाई आपको कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3.17, मतलब 3 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर 3 से 3.01 भी होते तो हम एक नंबर हायर जाएंगे। सो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर देंगे, और 4 बोल्ट्स, 3.5 बोल्ट तो हो नहीं सकते, तो या तो 3 होंगे या 4 होंगे, तो 4 बोल्ट्स रिक्वायर्ड। यूज़ 4 बोल्ट्स, 2 पर लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द स्प्लाइस। वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे 4 बोल्ट्स आपने यूज़ करना है, 4 बोल्ट्स ये वाले पोर्शन के लिए, ये वाला हाफ पोर्शन, एंड ऑब्वियसली ये 4 बोल्ट्स इस वाले पोर्शन के लिए। और हर लाइन में कितने, 2 बोल्ट्स, ये 2 बोल्ट इस लाइन में आएंगे, 2 बोल्ट इस लाइन में आएंगे। अब मैं सिर्फ ये वाला हाफ बना देता हूँ, तो ये वाला हाफ कैसे बना होगा, ये टेंशन मेंबर होगा ऐसे, और इसके पीछे ऐसे, अगर मैं स्प्लाइस प्लेट बना सकूँ तो स्प्लाइस प्लेट कुछ ऐसे बन रही होगी। तो ये वाली जो एक लाइन होगी उसको मैं दिखा रहा हूँ, टोटल अगर इस हाफ में कितने आ रहे हैं, ये एक बोल्ट इधर आ जाएगा, 2 पर लाइन, ये एक लाइन ये बन रही है जो कि इधर शो हो रही है, और एक लाइन ये बन रही होगी ये इस किस्म का, ठीक हो गया। सिमिलरली आपने, अगर मैं इधर साइड से भी अगर टेंशन मेंबर आ रहा है तो वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, एंड सिमिलरली इसमें भी 2 बोल्ट्स पर लाइन इधर आ रहे होंगे और 2 बोल्ट्स पर लाइन इधर आ रहे होंगे। हमने अभी सिर्फ टोटल एक साइड का हमने ये किया था, हमने इस साइड को कैलकुलेट किया, ठीक है, इसकी एच वाली और इसकी सेंटर वाली। इसी तरीके से अगर 4 बोल्ट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं तो 4 बोल्ट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो ये कुछ इस किस्म का कनेक्शन बनेगा। ऑब्वियसली इस साइड पे भी एक प्लेट होगी, तो हम ये कहेंगे कि यूज 4 बोल्ट्स, 2 पर लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट, अ टोटल ऑफ 8 बोल्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। मैंने आपको कनेक्शन वो बना के दिखा दिया, ये जैसे ये एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये एक टेंशन मेंबर है, ठीक हो गया, और इसके अलावा एक ये टेंशन मेंबर है, और ऑब्वियसली इसको जो इनको जो ज्वाइन कर रही है ये वो ऐसे स्प्लाइस प्लेट है, ठीक है, और लाइन ऑफ बोल्ट, एक लाइन ऑफ बोल्ट ये हो जाएगी। और ऑब्वियसली एक लाइन ऑफ बोल्ट इधर आ जाएगी। तो आपने पहले राइट वाले को किया और सेम वही लेफ्ट के लिए यूज़ हो जाएगा। राइट वाले को आपने यूज़ कर लिया, इसके अलग के लिए डिज़ाइन कर लिया, इस वाली प्लेट के हाफ पोर्शन के लिए, और वही इस तरफ हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स एज पर LRFD आर फॉर वन पोर्शन 4 बोल्ट्स, और टोटल ऑफ 8 बोल्ट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कनेक्शन, ठीक है जी। ये तो हो गया एज पर LRFD। एज पर ASD क्या कहता है, ASD के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमारे पास जैसे एक इनमें से क्या था, 29.45, 40.23, और ऑब्वियसली 43.51 इनमें से कम क्या था, 29.45। एज पर ASD हम उसको उधर 0.75 से मल्टीप्लाई करते, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, अलाउबल स्ट्रेंथ एक बोल्ट की 14.23। अब अलाउबल लोड, सर्विस लोड कितना है, सिंपली कोई फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, डेड प्लस लाइफ 50 किप्स है, 50 डिवाइड बाई एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, 14.73। तो हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं 3.39, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4। दैट मीन्स इसका भी डिजाइन वैसा ही होगा, यूज 4 बोल्ट्स, 2 पर लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द स्प्लाइस, अ टोटल ऑफ 8 बोल्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो ASD और LRFD दोनों से डिजाइन हमें सेम ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको कितने चाहिए किसी भी कनेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए, और हमें रिक्वायर्ड जितनी भी लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितने हमें बोल्ट चाहिए। सिंपली क्या करना है, एक बोल्ट की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, और उसको टोटल लोड से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे। मेक श्योर करें लोड्स ऐसे प्लेस, बोल्ट्स ऐसे अरेंजमेंट की जाए ताकि उसकी जो कनेक्शन स्ट्रेंथ है वो कम से कनेक्शन जो लेंथ है वो कम से कम हो। देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। अब आपने क्या करना है इसमें, आपके पास क्या है कि एक आपके पास चैनल सेक्शन है और दैट इज़ कनेक्टेड टू अ गजेट प्लेट, ठीक है, ये एक चैनल सेक्शन है, सी से डिनोट किया चैनल सेक्शन। 8 क्या है, 8 इसकी टोटल विड्थ है, यहाँ से लेकर विड्थ है, और 18.7 क्या है, इसका वेट है पाउंड पर फीट में, ठीक है, पाउंड पर फीट, पाउंड पर फिट, एक फिट में इसका कितना वेट है, 18.75 हो जाएगा, ये जी हमारे पास इसका वेट है इस तरीके से। और हमारे पास ये गजर प्लेट है जिसकी थिकनेस कितनी है, 3/8 इंचज है। अब आपने क्या करना है, चैनल सेक्शन कैसा होता है मैं अगर बना के दिखा दूँ, तो इसका ये एक पोर्शन ऐसे होता है फ्लैंज, और फिर ऑब्वियसली इसका एक बॉटम फ्लैंज भी इस तरीके से बनता है। तो एक साइड पर हो जाएगा जी हमारे पास चैनल सेक्शन कुछ इस किस्म का बना होता है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये आपके पास ये बनकर आ गया, हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिजिस्ट अ सर्विस डेड लोड। आपके पास डेड लोड के बन है 18 किप्स का, लाइव लोड आपके पास 54 के बन, इट इज़ अटैच टू अ 3/4 इंच गजेट प्लेट, ठीक है, 3/4 इंच गजेट प्लेट, 3/8 इंच गजेट प्लेट से ज्वाइन हुआ पड़ा है, और किन बोल्ट से हुआ पड़ा है, 7/8 उनका डाया है,
और A325 बोल्ट्स हैं। अज्यूम दैट द थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शीयर। थ्रेड्स आर इन द प्लेन ऑफ द शीयर का मतलब क्या है कि टोटल पूरी जो बॉडी है उस पर थ्रेड्स ही हैं, एंड दैट इज एन टाइप है, ठीक है। अगर ना हो तो भी आपने ये अज्यूम करना है। एंड दैट द स्लिप ऑफ द कनेक्शन इज परमिसेबल। स्लिप परमिसेबल है, दैट मीन स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आपको वो फ्रिक्शन फोर्स वाली जो उसकी स्लिप क्रिटिकल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन है, बेयरिंग टाइप कनेक्शन है। डिटरमाइन द नंबर एंड रिक्वायर्ड ले आउट ऑफ बोल्ट्स एज द लेंथ ऑफ द कनेक्शन इज मिनिमम। आपने नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट करने और उनका लेआउट बताने के भाई लेआउट कैसा होना चाहिए, अरेंजमेंट उनकी क्या हो ताकि कनेक्शन लेंथ उसकी कम से कम हो। A36 स्टील यूज़ करना है आपने बोल्ट्स के लिए, ठीक है जी। हम इसको फिर से उसी तरीके से लेके चलेंगे, एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसके बाद इसी तरीके से बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। सो सोल्यूशन इसका क्या हुआ, अब ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है, वन वे शेयर की है, ठीक है। ऑब्वियसली एक हो क्या रहा है कि जैसे अगर इसका प्लान बना सको तो इसका प्लान में ऐसे ही होगा कि ये एक टेंशन मेंबर होगा और इसको ज्वाइन किया गया किससे, ये इस गजर प्लेट से, ये गजर प्लेट से, सिर्फ एक साइड पर गजर प्लेट है और हमें इस तरीके से बोल्ट से इसमें ड्रिल करना है। प्रीवियस जो प्रॉब्लम किया था उसके दोनों साइडों पर स्प्लाइस प्लेट्स थी, इधर भी प्लेट थी और उधर भी प्लेट थी, बट ये एक वन वे शेयर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। तो हमें पहले तो शीयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। शीयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना है, एक बोल्ट का एरिया फाइंड करना है। बोल्ट का एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये आपके पास एक बोल्ट का एरिया आ जाएगा। अब आपको उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, एफ एन बी नॉमिनल शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मल्टीप्लाई बाय बोल्ट का एरिया। अब याद रखें चूंकि वन वे शेयर है, ठीक है, मतलब एक ही प्लेन शेयर है, प्लेन ऑफ शेयर एक ही है, सिंगल है, तो इस वजह से हम वन से ही रखेंगे। अगर जैसे प्रीवियस एग्जांपल था टू प्लेन शेयर होते, प्लेन्स ऑफ शेयर होते, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते। तो एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 28.86, ये हमारे पास एक बोल्ट की शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, बेयरिंग स्ट्रेंथ। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे कि एक बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो एक बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली लेट्स से मैं अगर मेरे पास देखिए मुझे फाइंड करना है लेट से कॉर्नर वाली बोल्ट की। अब मुझे ये नहीं पता कि कॉर्नर वाला बोल्ट कितनी स्पेसिंग पर है, तो मेरे पास वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना, चूंकि जो पहला फार्मूला होता है हम यही करते हैं ना कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1.2 LC इंटू टी इंटू एफ यू, ठीक है, ये फार्मूला होता है। हम मैं पहले कॉर्नर वाले की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करूँ, फिर सेंटर वाले की फाइंड आउट करूँ, तो अब मेरे पास कॉर्नर डिस्टेंस ही नहीं है सेंटर से लेकर, तो फिर मैं उसका क्लियर लेंथ कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो लेट से, और दूसरा फार्मूला क्या होता है बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वो होता है 2.4 D इंटू टी और इंटू एफ अल्टीमेट जो भी होता है, ठीक है ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैं ये कहता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ शुरू में कि चूंकि मुझे एल क्लियर नहीं पता, तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इससे जो वैल्यू आएगी वो कम वो ज़्यादा आएगी, ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू बड़ी हो जाए तो वो हमारे किसी काम की नहीं, हम तो काम वाली वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम ये डायरेक्टली खाली इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और फिर बाद में हम चेक कर लेंगे कि वेदर ये पहले वाले फार्मूला से वैल्यू ज़्यादा आती कि नहीं। क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी L जो लेंथ है, जो क्लियर लेंथ है, ये हमें नहीं पता, ये हमें तब पता चलेगा जब तक हम कोई अरेंजमेंट कर ना सकें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं द गजर प्लेट इज थिनर देन द वेब ऑफ द चैनल इन कंट्रोल। अच्छा, और दूसरी ये चीज़ देखनी है कि बेयरिंग स्ट्रेंथ कौन से वाला मेंबर कंट्रोल कर रहा होगा। अब तक आपको समझ में आ जानी चाहिए वैसे बेयरिंग स्ट्रेंथ कौन सा मेंबर कंट्रोल करता है। एक तो गजर प्लेट की थिकनेस है 3/8 inches, ठीक है, और अब इस चैनल सेक्शन, इस चैनल सेक्शन की थिकनेस कैसे पता चलेगी, ये आप डिज़ाइन एड्स में जाएंगे, AISC के टेबल्स हैं जो शुरू में जो टेबल्स दिए हुए हैं AISC, उसमें ये जब जाके सेक्शन देखेंगे तो इसकी थिकनेस आपको पता चलेगी, और इसकी थिकनेस कुछ है 0.448 कुछ करके होगी, थिकनेस 0.448 विच इज़ ग्रेटर देन 3/8 inches। तो अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये आपको वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, ये डिज़ाइन एड से, मैं अभी दिखा नहीं सकता, बट आप जाके देखेंगे इस सेक्शन के लिए तो इसकी थिकनेस इतनी होगी। अब इनमें से कम वाली थिकनेस किसकी है, गजर प्लेट की 3/8 है, और इस जो टेंशन मेंबर है इसकी थिकनेस कितनी है 0.448। तो हम क्या करेंगे, कम वाली यूज़ करेंगे गजर प्लेट की, तो बेयरिंग स्ट्रेंथ किस में क्रिटिकल होगी, गजर प्लेट में। ये क्लियर हो गया, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, द गजर प्लेट इज थिनर देन द वेब ऑफ द चैनल एंड विन कंट्रोल। अच्छा, दूसरी क्या चीज़, अज्यूम दैट द अलॉन्ग अ लाइन पैरेलल टू द फोर्स द लेंथ LC इज लार्ज इनफ सो दैट द अपर लिमिट विल कंट्रोल। वो ये कहना चाह रहे हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि LC की वैल्यू शायद इतनी ज़्यादा है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इस वजह से हम ये दूसरे वाले फार्मूला से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या है, 2.4 D हमें डाई ऑफ बोल्ट पता है 7/8, T इज द थिकनेस ऑफ द गजर प्लेट दैट इज 3/8 inches, F अल्टीमेट हमें पता है, और हमने इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली। बेयरिंग स्ट्रेंथ किस चीज़ की, ये सिर्फ एक जो हमारे पास बोल्ट है उसकी हमने बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली। अब हम चूंकि सेंटर वाले के लिए एज वाले के लिए है या जो भी है, बेशक एज वाले के लिए भी हमारे पास स्ट्रेंथ वही आएगी और सेंटर वाले के लिए भी ये आएगी, क्योंकि दोनों एज और सेंटर वाले के लिए हमें वो
लेंथ नहीं पता, तो हम इसी ओवर चढ़ करते हैं। अब ये देख लेंगे, फिर से कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि शेयर की वैल्यू, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, शेयरिंग स्ट्रेंथ 28.86, बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 45.68, तो इनमें से कम वाली कौन सी है, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ 28.86। अब ये एक बोल्ट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब आपने, आपको पता होना चाहिए फैक्टर लोड, जैसे प्रीवियसली हमने किया 1.2 डेड, एज पर LRFD के लिए भी कर रहा हूँ 1.2 डेड, 1.6 लाइव, आपको फैक्टर लोड पता चल गया। अब आपने एक बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, वो इनमें से 28.86 थी, वो इससे बड़ी थी, तो आपने 0.75, 28.86, ये आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ पर बोल्ट आ गई 21.65। नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, फैक्टर लोड डिवाइडेड बाई एक बोल्ट की स्ट्रेंथ, तो आपके चाहिए 4.99 बोल्ट, मतलब ऑलमोस्ट 5 बोल्ट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑल दो 5 बोल्ट्स विल फर्निश इनफ कैपेसिटी ट्राई 6 बोल्ट सो दैट अ सिमेट्रिकल लेआउट विद 2 गेज लाइंस ऑफ 3 बोल्ट्स कैन बी यूज्ड। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 5 बोल्ट्स काफी होंगे, बट टू बी सिमेट्रिकल, एक कनेक्शन सिमेट्रिकल रहे, थोड़ा सा दोनों साइडों पर सेम रहे, तो हम ये करते हैं 5 के बजाय हम 6 बोल्ट्स यूज कर देते हैं, ठीक है, ताकि एक तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा भी होगी और ऑब्वियसली वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब ये कि हम, लेट्स से हम ये कह सकते हैं कि एक गेज लाइन ये यूज़ कर लेते हैं, एक गेज लाइन ये यूज़ कर लेते हैं, और एक लाइन में 3 बोल्ट आ जाएंगे तो दूसरे में भी 3। अगर हम 5 यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली 5th बोल्ट का इशू होता, ठीक है। तो हम ये ऐसी अरेंजमेंट अब यूज़ करते हैं कि विद 2 गेज लाइन्स ऑफ 3 बोल्ट कैन बी यूज, ठीक हो जाएगी। अब ये हमने कर लिया कि हमने शुरू में ये कर लिया, अभी हमें इसकी स्पेसिंग का कंसर्न नहीं है, अभी हमें नहीं पता स्पेसिंग इनके दरमियान में क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग क्या है, बट हमने ये शुरू में बता दिया कि नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 5 हैं, तो हमने 6 यूज़ करने, 6 यूज़ कर रहे हैं, 5 काफ़ी होते हैं, बट 6 इसलिए करें ताकि सिमेट्रिकल रहे, एक लाइन में 3 3 बोल्ट हो जाएं। अब उसके बाद, लेकिन हमें, जब हमने ये यूज़ कर दिया, हमें ये नहीं कन्फर्म कि ये जो टेंशन मेंबर है ये कैसे डिज़ाइन किया गया, इसमें वेदर एक लाइन ऑफ बोल्ट थी, दो लाइन ऑफ बोल्ट थी, क्या पता ये जो चैनल सेक्शन था इसको डिज़ाइन किया गया था कि लाइन ऑफ बोल्ट सिर्फ एक ही लाइन में, ऐसा भी तो हो सकता है एक ही लाइन में 6 बोल्ट डाल दें ऐसे, ठीक है, ये भी तो हो सकती है अरेंजमेंट, वो ये भी करेक्ट है कि एक ही बोल्ट है और एक ही टेंशन मेंबर, उसको गजर प्लेट को हम कनेक्शन ऐसे बना दें कि ये गजर प्लेट है और इनमें ये ऐसे 6 बोल्ट खाली एक ही लाइन में, तो वो ये कहना चाह रहे हैं वी डू नॉट नो वेदर द डिजाइन ऑफ दिस टेंशन मेंबर वॉज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ वन लाइन और 2 लाइन ऑफ फास्टनर्स, कि एक लाइन में थे ये दो लाइन में थे, तो पहले हमें ये देख लेना है कि इस मेंबर की कैपेसिटी कितनी है, टेंशन मेंबर की कैपेसिटी कितनी है। अगर हम, लेट्स से हम ये अज्यूम कर लें कि जी दो लाइनों में बोल्ट्स थे, एक लाइन ये है और एक लाइन है, तो इनकी जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है इस टेंशन मेंबर की और इसकी जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, क्या ये जो लोड आ रहा है उससे ज़्यादा है, अगर तो ज़्यादा है तो फिर तो ओके है, अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली हमें इस अरेंजमेंट, हम ये अरेंजमेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हमें पहले इनकी कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इस टेंशन मेंबर की कैपेसिटी चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले यील्डिंग स्ट्रेंथ, तो FY यील्डिंग हमें पता है, इनटू ग्रॉस एरिया। अब इस सेक्शन, जो चैनल सेक्शन है, इसका ग्रॉस एरिया यूज़ करेंगे। अब ये ग्रॉस एरिया 5.51, ये कहाँ से आया, डिज़ाइन टेबल, डिज़ाइन टेबल में जाके देखिएगा, ठीक है, अब मैं दिखा नहीं रहा, बट डिज़ाइन टेबल में जैसे जाकर देखेंगे C8 18x18.7 को देखेंगे तो उसका ग्रॉस एरिया इतना ही है, ठीक है, C8 18.7 का ग्रॉस एरिया 5.51 आपको उधर से मिल जाएगा, डिज़ाइन 8 के शुरू वाले पेजेस में हो जाएगा। तो FY into AG, ये आपके पास उसकी यील्डिंग, नॉमिनल यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। फॉर यील्डिंग 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 179 179, और वो आ जाएगी 108 से ज़्यादा है, ओके हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करनी है, आपने ऑब्वियसली इसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, और फ्रैक्चर के लिए आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव एरिया, ठीक है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपके पास ग्रॉस एरिया है, पहले आप उससे नेट एरिया फाइंड आउट करेंगे। नेट एरिया क्या होता है, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स, तो आपने, आपके पास ग्रॉस एरिया कितना है 5.51, और उसके बाद ऑब्वियसली होल्स कितने हैं जो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, फ्रैक्चर कहाँ से हो सकता है, इधर से इनिशिएट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो दो होल्स के आपको डाया माइनस करने पड़ेंगे, तो -2, ये 2 इस वजह से, एक होल का डाया कितना होगा, अगर 7x8 इंच का बोल्ट है तो +1x8 कर दोगे, मैंने आपको बताया था जब फ्रैक्चर की बात हो तो उसमें +1x8 करते हैं, और उसको किसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.487, ये है उसकी थिकनेस है, वेब की थिकनेस है, सॉरी मैं प्रीवियसली मैंशन करता रहा, पॉइंट प्रीवियस स्लाइड में 0.448, उसकी थिकनेस कितनी है 0.487 उसकी थिकनेस होगी। तो आपने क्या किया, क्रॉस एरिया में से दो जो होल्स हैं, ये वाले दो होल्स हैं, ठीक है, उनका मतलब आप माइनस करोगे, एरिया माइनस करोगे, मतलब एक होल का एरिया कितना होगा, उसकी थिकनेस, चैनल की थिकनेस, जो उसकी वेब की थिकनेस होगी, ऑब्वियसली होल्स कहाँ ड्रिल किए जा रहे हैं, वेब में किए जा रहे हैं ना, तो वेब की थिकनेस कितनी है 0.487, और होल्स का डाया कितना है 7x8 + 1x8, और एक होल नहीं दो होल माइनस करेंगे तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा नेट एरिया, तो नेट एरिया आ जाएगा। अब नेट एरिया के बाद आपको क्या चाहिए होता है, इफेक्टिव एरिया चाहिए होता है। इफेक्टिव एरिया के लिए क्या चाहिए आपको, साथ में यू की वैल्यू चाहिए होती है,
यू की वैल्यू पता होगी तभी हम आप उसको नेट एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर आपके पास इफेक्टिव एरिया आएगा। तो अब यू की वैल्यू द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द कनेक्शन इज नॉट येट नोन, ठीक है। आपको फार्मूला क्या होता है यू का, जैसे आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 - x - / L, ठीक है। तो एक्स डैश की तो चलो हम चैनल सेक्शन से जाकर देख लेंगे, बट लेंथ ऑफ द कनेक्शन तो हमें नहीं पता अभी, तो इस वजह से हम यू की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कनेक्शन नॉट येट नोन, सो यू कैन नॉट बी यूज, अज्यूम अ कंजर्वेटिव वैल्यू। तो कम से कम वैल्यू यू की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, ऑन द कंजर्वेटिव साइड 0.6 यूज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ कनेक्शन नहीं पता। अगर लेंथ ऑफ कनेक्शन पता होती तो हम यू की वैल्यू यूज कर लेते, ठीक है। अब आपने क्या किया, यू को नेट एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, यू को ये नेट एरिया से मल्टीप्लाई किया, यू हमने एज्यूम कर लिया 0.6, तो हमारे पास इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। इफेक्टिव एरिया से फिर हमने निकाल ली फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। नॉमिनल फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होती है, एफ अल्टीमेट इंटू ए ई, या आपके पास फ्रैक्चर स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से, तो ये आपके पास आ गई 118 kips। तो आप इस मेंबर की, ये जो टेंशन मेंबर है, इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी थी 179, इसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कितनी थी 118 kips। तो इनमें से कम कौन सा है, वो कंट्रोल कौन सी कर रही है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कंट्रोल कर रही है, एंड मेंबर कैपेसिटी इज देयर फॉर एडिक्वेट। और 118 किप्स जो है, एक मेंबर की कैपेसिटी कितनी है 118 किप्स, विच इज ग्रेटर देन 108, ये जो हमारे पास लोड आ रहा है। देयर फॉर द मेंबर कैपेसिटी इज देयर फॉर एडिक्वेट विद 2 gauges ऑफ लाइन, वो ये बात करना चाह रहे हैं 2 gauges ऑफ लाइन से एडिक्वेट है। अगर एडिक्वेट ना होता तो फिर हमें मजबूरन एक ही लाइन में बोल्ट्स यूज करने पड़ते, ठीक है। अगर 2 lines में यूज करूँ तो मुझे 2 holes के एरिया माइनस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नेट एरिया कम हो रहा है, नेट एरिया की वजह से इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है, और फिर ऑब्वियसली उसकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो अगर ये से पास ना हो तो फिर हम यूज करेंगे एक ही लाइन में बोल्ट्स यूज करेंगे, इस तरह पता चलेगा। अच्छा, अब उसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि जी नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज करने हैं 6 और 2 gauge lines में यूज करने हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब इनके दरमियान स्पेसिंग की बात आ गई, तो पहले बात कर लेता हूँ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, और बाद में जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडल में देख लेंगे। तो पहले ट्रांसवर्स स्पेसिंग देख लो, मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2.667 टाइम्स डाई ऑफ द बोल्ट, ठीक है। ये AISCM में बताता है कि 2.667 टाइम्स डाई ऑफ द बोल्ट, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। उस हिसाब से अगर डाई ऑफ द बोल्ट हम डालें तो हमें मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दो बोल्ट के दरमियान, मतलब ये एक बोल्ट है और ये एक बोल्ट है, इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 2.33 होनी चाहिए मिनिमम। और एज की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, इस एज से लेकर इस एज तक स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो अगर हम देखें अगर इन बोल्ट्स के लिए, तो वो जो 7x8 inch बोल्ट है, और ये 3-4 टेबल में जो प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, इसके हिसाब से हमें स्पेसिंग कितनी चाहिए, 1.125, ये जो इधर लिखी पड़ी है, ठीक हो गया। तो ये एज की स्पेसिंग हो जाएगी। अब अगर मैं चैनल सेक्शन देखूँ तो चैनल सेक्शन ये है C8 by, ये चैनल है C8 by 18 point, जो भी है 18.5 ये जो भी है, ठीक है। 8 क्या है, इसकी डेप्थ है। अब 8 अगर इसकी डेप्थ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सेंटर टू सेंटर हम ये अज्यूम कर लें, हम यूज़ कर लें स्पेसिंग ऑफ 3 inches, ठीक है, कि एक बोल्ट अगर हमें ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड कितनी है कि कम से कम कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए इस वाली बोल्ट और इस वाली बोल्ट के दरमियान 2.33, तो हम ये कह देते हैं लेट्स से कि इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है 3 inches, ठीक है। हम ये कह देते हैं कि हमें रिक्वायर्ड 2.33 है बट हम 3 रख देते हैं, ठीक है। तो लेट से अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, कि ये एक बोल्ट आ गया, एक ये बोल्ट आ गया, ऑब्वियसली इसी में लाइन में चलते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास, मैं ये कह देता हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड तो 2.33 है, बट मेरे पास मैं 3 इसको कर देता हूँ, इन दोनों के दरमियान सेंटर टू सेंटर 3 inches, ठीक है। और बाकी एच पे कितनी बच जाएगी, अब टोटल कितनी है डेप्थ, ये है 8, टोटल चैनल सेक्शन की डेप्थ कितनी है, अगर मैं देख सकूँ, मैंने बताया हुआ था थिकनेस, इसकी विड्थ कितनी है 8 inches, और वो इसकी नेम में शो हुआ पड़ा है C8 by 18.5। तो अगर 3 इधर आ गया तो बाकी एच पे कितना रह जाएगा, अगर 8 में से 3 माइनस कर दूँ तो पीछे बच गया 5, मतलब 5 को हाफ कर दूँ इधर, इधर आ जाएगा 2.5, इस एच से लेकर इधर तक कितना आ जाएगा 2.5, और इस एच से लेकर इधर तक कितना आ जाएगा 2.5। मैं इसको इधर हाईलाइट कर देता हूँ, तो मतलब दो बोर्ड्स के दरमियान हम स्पेसिंग कर देते हैं, किस तरीके से, दो बोल्ट्स के दरमियान स्पेसिंग रख देते हैं 3 inches, और बाकी एजेस से हम रख देते हैं 2.5 2.5। तो अब यही मेंशन हुआ पड़ा है, अ स्पेसिंग ऑफ 3 inches
एंड एज डिस्टेंस ऑफ 2.5 इंचेस विल बी यूज ट्रांसवर्स टू दिस लोड स्पेस। मुझे कहना है कि एज स्पेसिंग हम कर लेंगे 2.5 इंचेस और सेंटर टू सेंटर कितनी कर लेंगे 3 इंचेस। तो इस हिसाब से हम AIC रिक्वायरमेंट्स भी मीटअप कर देंगे कि मिनिमम सेंटर में कितना चाहिए, 2.3 चाहिए, हमने 3 यूज़ कर लिया। एच पे कितनी चाहिए, 1.125 और हम 2.5 यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स में तो स्पेसिंग क्लियर होगी। अब बात आ गई लॉन्गिट्यूडनल, इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें कितनी चाहिए मिनिमम सेंटर टू सेंटर, अगर दो बोल्ट्स के दरमियान सेंटर टू सेंटर कितनी चाहिए, 2 × 2/3 डाया, वो कितनी चाहिए 2.33। तो हम यूज़ करेंगे, अब कोशिश ये करनी है, इसी वजह से देखिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो हम बाउंड हैं कि हमारे पास एक चैनल की डेप्थ कितनी है, चैनल की डेप्थ थी मतलब हमारे पास चैनल की विड्थ कितनी है, 8 इंचेज है, तो हम बाउंड हैं, हमने उस हिसाब से स्पेसिंग एडजस्ट करनी है। बट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कनेक्शन तो हम बाउंड नहीं है कि इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी रह सके, मैं 3-3 इंचेज पे भी रख सकता हूँ, मैं 6-6 इंचेज पे भी रख दूँ, कनेक्शन तो मेरा सेफ रहेगा। बट उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे वो जो कनेक्शन की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जब कनेक्शन की लेंथ बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, दैट कनेक्शन इज अनइकोनॉमिकल। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें कम से कम उसकी लेंथ रखनी है, उस कनेक्शन की लेंथ को कम से कम रखना है, और इतना रखना कि ताकि हम उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर सके। तो कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2.33, हम ऑन द सेफर साइड हम 2.33 के बजाय हम 2.5 यूज़ कर लेंगे। तो ट्राई 2.5 इंचेस के दो बोल्ट्स के दरमियान कितनी, 2.5 यूज़ कर लो। द मिनिमम एज डिस्टेंस इन एनी डायरेक्शन इज 1 × 1/8, ट्राई 1.8। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एज मतलब ये वाला बोल्ट, इसके इस एज से डिस्टेंस हमें कितना रिक्वायर्ड है, 1.5, हम 1 × 1/8 ही यूज़ करेंगे, यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया, हमें ये भी पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं, 6 हैं, और कितनी लाइन में हैं, 2 लाइनों में प्लेस करने हैं। हमें लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग भी समझ में आ गई, अब हम इसको बाद में चेक भी करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में स्पेसिंग दो बोल्ट्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो 2.5 होनी चाहिए। ऐसे कितनी उसकी स्पेसिंग है, 1 × 1/8 है। अब हम इसको फॉर द बेयरिंग स्ट्रेंथ, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो हम बेयरिंग स्ट्रेंथ इधर कैलकुलेट नहीं कर सके, अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, और वो इतनी है कि इस लोड को सस्टेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एज डिस्टेंस आ गया है, एज डिस्टेंस यहाँ से लेकर इस प्लेट के लिए भी 1 × 1/8। पहले हमारे पास एज डिस्टेंस नहीं था, पहले हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग नहीं थी, अब हमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पता चल गई है। तो अब एज डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें होल का डाया फाइंड करना है। होल का डाया क्या होता है, डाया प्लस 1/16, तो ये आपके पास होल का डाया आ गया, ये क्लियर हो गया, 15/16। और उसके बाद हमने अज्यूम यही कर लिया, हमने यही स्पेसिंग जो बना ली कि 2.5 2.5 दोनों के सेंटर में हो, और इनके जो एज की स्पेसिंग हो 1 × 1/8 1 × 1/8, और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये हमने स्पेसिंग ये दी 3 2.5 इधर 2.5 इधर, ये टोटल मिला के 8 बन रहा था। ठीक हो जाएगा, अब ऑब्वियसली इसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ इस वाले के लिए कॉर्नर के लिए फाइंड आउट करनी है। तो इस कॉर्नर की बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, क्लियर लेंथ कॉर्नर की, तो एज तक कितनी है, 1 × 1/8 जो होती है 1.125, उसमें से हाफ होल का डाया माइनस करोगे ताकि ये आपके पास एच की बेयरिंग स्ट्रेंथ आए। ठीक है, तो एच की ये जो आ जाएगा क्लियर लेंथ कितनी आएगी, 0.6563, और 0.6563 के बाद आप अपने फार्मूला यूज़ कर लेना, 1.2 LCT × F अल्टीमेट, उसी तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एच की बेयरिंग स्ट्रेंथ पहले फार्मूला से कितनी आई, 17.13, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे वाले फार्मूला जो था 2.4 D × T × F अल्टीमेट, जो हम प्रीवियसली यूज़ कर चुके हैं, उससे कितनी थी, 45.68। तो इनमें से कम वाली कौन सी है, वो ये वाली है 17.13, हमारे पास कम वाली है। तो हमने क्या करना है, उस कम वाली वैल्यू को यूज़ कर लेना है। अब उस कम वाली वैल्यू को जब हम यूज़ करेंगे, अगर मैं दिखा सकूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 17.13 फॉर दिस बोल्ट। ये तो आ गई एज वाले के लिए, मतलब इस एज वाले के लिए बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब आपने ऑब्वियसली इन होल्स की भी बेयरिंग स्ट्रेंथ इसके लेकर इधर तक सेंटर तक ऑब्वियसली बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर ये वाले होल्स भी होंगे, इनकी बेयरिंग स्ट्रेंथ इस जगह पर आ रही होगी। तो अब ऑब्वियसली चूंकि स्पेसिंग आइडेंटिकल है, तो मैं सिर्फ ये वाली लाइन के लिए कैलकुलेट करूंगा और वही अगली वाली लाइन के लिए भी वही रहेगा। तो अब सेंटर के लिए क्या करोगे, इनके दरमियान सेंटर टू सेंटर कितनी है, 2.5, और उसमें से हाफ होल का डाया कहाँ से माइनस करोगे, हाफ होल का डाया यहाँ से माइनस किया, हाफ होल का डाया यहाँ से माइनस किया, तो आपके पास इनके दरमियान क्लियर लेंथ आ जाएगी। तो 2.5 माइनस 15/16 ये किया, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसका पहला फार्मूला 1.2 LC × T × F अल्टीमेट, इसकी क्या स्ट्रेंथ आई, 14.79, दूसरे फार्मूला से करके वो वही स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो 45.6 है, तो इनमें से कम कौन सी है, 40.79। तो फॉर दिस बोल्ट आपके पास स्ट्रेंथ कितनी आई, 40.79। ठीक हो गया, अब क्या करना है, मैंने इस टोटल पूरे कनेक्शन की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। अब इस पूरे कनेक्शन की बेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि
इसके लिए ऑब्वियसली एच की बेयरिंग स्ट्रेंथ तो आ गई, वो कितनी थी 17.13, और वो सिर्फ एक लाइन की है, तो दो लाइनों के लिए क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 17.13। उसके बाद सेंटर के जो बोल्ट्स हैं, इस वाले की बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 40.79, लेकिन ये एक नहीं है, तो ये दो एक, ये दूसरा हो जाएगा, और ऑब्वियसली इस वाले के लिए भी ये भी एक स्पेस है, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में ये नहीं था, तो थ्री, और ये नंबर फोर, तो ये फोर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 4 × 40.79, प्रीवियसली हम इसको 2 × 2 कर रहे थे, लेकिन अब इधर 2 × 4, 2 एज वाले और 4 सेंटर वाले, ये वाले, ये 4, ये वाले सेंटर वाले, तो अब आपने टोटल, आपके पास नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्शन इज 197.4, ये आ जाएगी हमारे पास बेयरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी टोटल कनेक्शन की। अब उसकी इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाएगी, एंड विच इज़ ग्रेटर देन पी अल्टीमेट, और ओके है जी हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है ये ओके है कि हमारे पास बेयरिंग में फेलियर नहीं होगा, ठीक हो गया, ये हो गया जी इधर तक क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, हमने ये देखना है कि चलें जी ठीक है, शियर में भी क्लियर हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बेयरिंग में भी क्लियर हो गया। अब लास्टली हमने क्या देखना है कि ऑब्वियसली इसकी ब्लॉक शियर से, द टेंटेटिव कनेक्शन डिजाइन इज शोन एंड विल नाउ बी चेक फॉर द ब्लॉक शियर इन द गजेट प्लेट, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं अब आपने ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ देखनी है। अब ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ भी ऑब्वियसली एक टेंशन मेंबर है ये वाला, और गजेट प्लेट है, और कौन सा क्रिटिकल होगा, जिसकी थिकनेस कम है, और वो गजेट प्लेट की थिकनेस कम है 3/8 इंचेस, तो हम इसमें अब ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ देखेंगे। ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ के मतलब चांसेस ये हैं कि ये गजेट प्लेट का पीस कुछ ऐसे इधर से लेकर जो हाईलाइटेड है ये अलग हो सकता है, जब लोड अप्लाई करें तो इधर से फेल हो जाए। अब इसके लिए ऑब्वियसली ये वाले जो प्लेन्स हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ग्रॉस एरिया इन शियर है, और अगर इसके ट्रांसवर्स देखें तो ये ग्रॉस एरिया इन टेंशन, इनमें टेंशन फोर्स आ रही होगी, तो पहले मैं ग्रॉस एरिया इन शियर फाइंड आउट कर लूंगा, चूंकि एक प्लेन नहीं है, दो प्लेन्स हैं, ये वाला एक प्लेन है और एक ये प्लेन है, तो टू, और इसकी अब इस जो गजर प्लेट की थिकनेस कितनी है, दैट इज 3/8, और उसके बाद लेंथ कितनी है जो शियर में है, तो वो लेंथ कितनी आ जाएगी, ये 2.5, यहाँ से लेकर इधर 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1.125, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ग्रॉस एरिया इन शियर कितना है, 4.594। नेट एरिया इन शियर के लिए क्या करेंगे, हमने सिंपली क्या करना है, इनमें से होल्स के डाया माइनस कर देने, ठीक है, होल्स के डाया माइनस कर देने। अब कितने होल्स के डाया माइनस करोगे, एक ये पूरे होल, इसका डाया माइनस करोगे, इसका पूरा होल माइनस होगा, ये पूरा होल माइनस होगा, और ये वाला जो कॉर्नर वाला होता है ये हाफ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से हो रहा है फेल, ठीक है, यहाँ से फेलियर हो रहा है, तो इस वजह से दो प्लेन्स हैं, ठीक है, उनकी थिकनेस तो सेम है, लेकिन टोटल लेंथ कितनी थी, 6.125, 2.5, 2.5 प्लस 1.25, 6.125, ये टोटल लेंथ हो जाएगी। इस टोटल लेंथ में से माइनस कितना किया गया, 2.5 डाया माइनस करोगे, मतलब दो फुल डाया माइनस करोगे और एक आधा डाया माइनस करोगे, और डाया है कितना, 1, 1 कैसे आया, वो उसी तरीके से देखो हमारे पास बोल्ट्स का डाया कितना था, 7/8, और उसमें प्लस जब 1/8 कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा होल का डाया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंचेस ऐसे, तो 2.5 डाया माइनस करोगे होल्स के इस लाइन इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट एरिया इन शियर, नेट एरिया इन शियर आ गया। उसके बाद आ जाएगा नेट एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन टेंशन के लिए सेंटर टू सेंटर कितना है, सेंटर टू सेंटर है 3, तो उसमें से एक होल का डाया माइनस करोगे, एक होल का डाया कैसे माइनस करोगे, हाफ इधर से माइनस होगा और हाफ इधर से माइनस होगा, क्योंकि हमारे पास क्रैक इधर से आ रहा है, ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थिकनेस है 3/8, सेंटर टू सेंटर कितनी है 3, और उसमें से एक होल का डाया माइनस करोगे, और एक होल का डाया कितना है, 1 इंचेस, तो ये हमारे पास आ गया नेट एरिया इन टेंशन, ठीक हो जाएगा। अब नेट एरिया इन टेंशन आ गया, अब सिंपली इनको फार्मूला में पुट करें, ब्लॉक शेयर वाले फार्मूला में। अब ब्लॉक शेयर वाला फार्मूला क्या है, अगर मैं बता सकूं तो वो ये चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास फार्मूला होता है, पहला फार्मूला 0.6 एफ अल्टीमेट नेट एरिया टेंशन, और फिर ये जाएगा, तो 0.6 एफ अल्टीमेट भी पता है, नेट एरिया इन शियर 2.179, ठीक है जी, और प्लस 1 एफ अल्टीमेट भी पता है, और नेट एरिया इन टेंशन 0.75, ये वाली पुट की, तो पहले वाले फार्मूला से आई स्ट्रेंथ 138.1, दूसरे वाला फार्मूला में हम पहला वाला पोर्शन चेंज हो जाता है ये, तो हम 0.6 एफ वाई इंटू ग्रॉस एरियन शेयर, नेट एरियन शेयर नहीं करते, ग्रॉस एरियन शेयर करते हैं, ठीक है, और एफ अल्टीमेट की बजाय एफ वाई यूज़ करते हैं, तो 0.6 एफ वाई इंटू ग्रॉस एरियन शेयर, और प्लस आ जाएगा 1 × बाकी ये पोर्शन सेम ही रहेगा, तो इससे स्ट्रेंथ आ जाएगी 142.7। तो इनमें से काम कौन सा है, पहले फार्मूला से ये स्ट्रेंथ आई, दूसरे से ये, इनमें से काम है 138 वो यूज़ की, तो इसकी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, अगर मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद 104, एंड विच इज़ लेस देन 108, हमारा लोड कितना आ रहा था, 108, दैट मीन्स भाई ठीक है शेयर में फेलियर नहीं होगा, बेयरिंग में फेलियर नहीं होगा, बट इसमें ब्लॉक शेयर फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे कनेक्शन की ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ बढ़ानी है,
ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अब ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ बढ़ाने का द सिंपलेस्ट वे टू इंक्रीज द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ फॉर दिस कनेक्शन इज टू इंक्रीज द शियर एरिया बाय इंक्रीजिंग द बोल्ट स्पेसिंग। आपने लेट से, हमारे पास ये फार्मूला है 138 वैल्यू है, ये कम पड़ रही है हमें, तो हमें इसकी अगर ये वैल्यू बढ़ानी है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, एफ अल्टीमेट तो नहीं चेंज कर सकता, मुझे इनके नेट एरिया इन शियर बढ़ाना पड़ेगा। और नेट एरिया इन शियर कैसे बढ़ेंगे, जब मुझे इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ऑल दो मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है बट ब्लॉक शियर फेलियर हो रहा है, तो मुझे इसकी लेंथ ऑफ द कनेक्शन मतलब इनके दरमियान स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि इसमें ब्लॉक शियर फेलियर ना हो। ठीक हो जाएगा, तो ऑल द रिक्वायर्ड स्पेसिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय ट्रायल एंड इट कैन बी सॉल्व डायरेक्टली। हम कैसे सॉल्व डायरेक्टली करेंगे, चूंकि ये वाला फार्मूला डिक्टेट कर रहा था, ठीक है, इसी की स्ट्रेंथ कम थी, इसी को हमने बढ़ाना है, तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, हमें कितनी चाहिए रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, कितनी चाहिए, कम अज कम ये हमारे पास जब हम इसे 0.75 से इस वाली स्ट्रेंथ को 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारी 104 आ रही थी। हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारी 104 नहीं आनी चाहिए, कम अज़ कम 108 आनी चाहिए। तो आपने क्या किया, फार्मूला में पुट करो ये जो फाइ आर एन, ठीक है, फाइ इसकी जगह साथ इसके साथ फाइ मल्टीप्लाई कर दो, फाइ आर एन आपको रिक्वायर्ड कितना है, दैट इज 108। ठीक है, आपको फाइ आर एन रिक्वायर्ड कितना है, 108, और उसको इसके इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब आपको इसमें नेट एरिया इन शियर इसको अननोन रहने दो क्योंकि अभी आप स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बाकी इसके इस साइड पर ये आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0.75 0.6 इंटू एफ अल्टीमेट इंटू नेट एरिया टेंशन प्लस यू बी और एफ यू एंड, यही फार्मूला है, इसके साथ स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, 0.75, ठीक है, 0.6 एफ अल्टीमेट और नेट एरिया टेंशन, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना बढ़ाया जाए नेट एरिया टेंशन ये हमें फाइंड करना है और इससे हम पर स्पेसिंग निकाल लेंगे। ठीक है, और यू बी सी बाकी वही चीज़ रहेगी, एफ अल्टीमेट नेट एरिया टेंशन ही शेयर बढ़ानी है सिर्फ, ठीक है, और दैट शुड बी इक्वल टू 108। तो इस पूरी स्टेटमेंट में, इस पूरी इक्वेशन में, ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें अननोन क्या है, नेट एरिया इन शियर, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर बाकी सारी वैल्यू सॉल्व करके ले जाना, तो आपके पास नेट एरिया इन शियर कितना आया, दैट इज 2.888। कि आपका ये जो नेट एरिया इन शियर मतलब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन इन दोनों का एरिया मिला के कितना होना चाहिए, 2.888 होना चाहिए, तब जाके आपकी ये जो स्ट्रेंथ है ये मीटअप होगी। अब जब ये पता चल गया तो हमें ये पता है कि नेट एरिया इन शियर किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है, ये हमारा प्रीवियसली नेट एरिया इन शियर कितना था, 2.719, और वो नाकाफी था, और हमें अब कितना चाहिए, 2.888 चाहिए, तो मैं इसकी इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक है, और बाकी स्पेसिंग एज इट इज लिख दूंगा। तो होता क्या है, नेट एरिया इन शियर क्या होता है, थिकनेस, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई बाय टू, इधर ही बेशक कर दो मल्टीप्लाई बाय टू, उसने उसको बाद में किया हुआ है, ये टू इधर मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, इनटू थिकनेस, और उसके अलावा क्या होती है, स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एस, एक ये आ जाएगा, ये इधर हाईलाइट हुई पड़ी, दूसरी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है, दूसरी लिख दी, प्लस 1.125 प्लस 1.125 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये कॉर्नर वाला, और उसमें से माइनस क्या करना है, जब नेट एरिया शेयर के लिए माइनस 2.5 डाया, डाया क्या है, एक होल का डाया, ठीक है, ये टू क्या था, ये टू जो पहले इसके उसने उधर शुरू में लिख दिया था, अभी इसने बाद में लिख दिया, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब आप इसमें इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, इसमें अब क्या आ जाएगा, आपने पहले नेट एरिया इन शियर फाइंड किया और नेट एरिया इन शियर से अब आप स्पेसिंग फाइंड आउट कर लोगे। इसमें अब पूरी इक्वेशन में अननोन क्या आ जाएगा, ये एस प्लस एस मतलब ये टू एस लिख दोगे, और इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे एस को, राइट हैंड साइड पर बाकी सबको सॉल्व करोगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड एस कितना आ जाएगा, 2.61। मतलब कि अगर इतना नेट एरिया इन शियर चाहिए तो आपको स्पेसिंग कितनी रखनी पड़ेगी, 2.61, हमारी कितनी थी, 2.5। तो अब आपको रिक्वायर्ड स्पेसिंग ताकि आपका ब्लॉक शेयर फेलियर ना हो कितनी है, 2.6, हम उससे थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, और हम ऑन द सेफर साइड कर देंगे कि यूज एस इज इक्वल टू 3 इंचेज, हम बजाय 2.6 के बजाय 3 इंच सेंटर टू सेंटर रख देंगे। तो अब हमारे पास कितनी आ जाएगी, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, 3 इंचेज, और अब हम इसकी बेस पर हम स्ट्रेंथ से कैलकुलेट करेंगे। तो फिर अब देखिए, अब इसका ग्रॉस एरिया एंड शेयर अब इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 2 × 3/8। अब सेंटर टू सेंटर कितनी है, 3 इंचेज प्लस 3 इंचेज प्लस 1.25, तो ये जब कैलकुलेट किया तो ग्रॉस एरिया शेयर कितना आया, वो 5.34, पहले कितना था, 4.594। अब उसके बाद नेट एरिया शेयर, फिर उस तरीके से ग्रॉस में से माइनस कर दोगे, इसकी थिकनेस जो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना ये भी एक तरीका है कि ग्रॉस एरिया में से इसकी थिकनेस ऑब्वियसली दो प्लेन्स हैं, ठीक है, और उनमें से आपने माइनस क्या कर देना है, कितने होल्स का डाया माइनस कर देना है, अगर मैं दिखा सकूँ, एक मिनट, ये तो आपने क्या, ग्रॉस एरिया माइनस थिकनेस,
ऑब्वियसली दो प्लेन्स हैं और 2.5 डाई आपने माइनस करना है। आप बेशक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 × 3/8, अब टोटल लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी बन जाएगी, 3 + 3 = 6, 6 + 1.25 = 7.125, -2.5 × 1 कर देंगे तो आप बजाय 6.125 के बजाय इधर 7.125 कर देंगे तो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। आप बेशक इसी तरीके से कर लीजिएगा, वरना एक ये तरीका भी है, ठीक है, दोनों ही काम कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया नेट एरिया इन शेयर। जब नेट एरिया इन शेयर आएगा, अब ऑब्वियसली अब आपने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अब ऑब्वियसली और बाकी नेट एरिया इंटेंशन तो वो तो ऐसे ही रहेगा, ट्रांसफर स्पेस में इशू नहीं था, हमें लॉन्गिट्यूडल में इशू था, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल में अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी पहले वाले फार्मूला में 0.75, ठीक है, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.6 एफ अल्टीमेट। अब नेट एरिया इन शेयर कितना है, 3.469, प्रीवियसली कितना था, 2.719, ठीक है। अब ब्लॉक और आ जाएगा 1 एफ अल्टीमेट, ये आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्टली वैल्यू मल्टीप्लाई हो पड़ी है तो हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, 123, ठीक है। प्रीवियसली कितनी आ रही थी, जब हम इससे 0.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद कर रहे थे, 104, और हमने जब स्पेसिंग बढ़ा दी तो हमारे पास ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ पहले वाली इक्वेशन से आ रही है 123, विच इज़ ग्रेटर देन 108। तो पहली इक्वेशन से तो ये हो गया। अब दूसरी वाली से भी देख लेते हैं कि क्या पता दूसरी वाली से डिक्टेट ना हो रही, तो दूसरी वाली में हमने पुट कर दिया 0.6 एफ वाई ग्रॉस एरियन शेयर, 0.75 0.6 एफ वाई ग्रॉस एरियन शेयर प्लस ये वाली पुट की, और उससे भी आ रही है 119, ठीक है, और ऑब्वियसली विच इज लेस देन 123, मतलब ये कम वाली यूज हो रही है बट स्टिल ग्रेटर देन 108, ठीक हो जाएगा। तो अब आप ये कर लेंगे। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि जो पहले वाली इक्वेशन से जैसे हम जब हम स्पेसिंग चेंज करते हैं तो ये दूसरी वाली इक्वेशन से स्ट्रेंथ कितनी है, 119, पहले वाली इक्वेशन से कितनी थी, 123, तो इनमें से कम वाली कौन सी थी, 119, और 119 जो है वो अभी भी ग्रेटर है 108 से, तो देयरफोर हमें कोई इसमें मसला नहीं होना चाहिए, द स्ट्रेंथ इज स्टिल एडिक्वेट। तो इन शॉर्ट हमारे पास अब कनेक्शन क्या आ जाएगा, यूज द स्पेसिंग एंड एज डिस्टेंस एज सिलेक्टेड। हमारा कनेक्शन का डिज़ाइन आपसे ये रिक्वायर किया जाएगा, जब आपको कनेक्शन का डिज़ाइन करना है तो आखिर में आपने ये इमेज बनानी है कि जो आपने डिज़ाइन किया उसकी ताकि पूरी डिटेल नज़र आनी चाहिए, कि एट द एंड ऑफ द चैनल हमारे पास स्पेसिंग द मिनिमम लेंथ लेंथ ऑफ द कनेक्शन आपको बतानी है। तो एज डिस्टेंस का तो इशू नहीं था, एज डिस्टेंस तो हम 1 × 1 1/80 रखोगे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 2 spaces at 3 inches, दो स्पेसेस हैं, एक ये स्पेस है एक ये स्पेस है, इनकी कितनी है 3 inches, एंड 1 × 1/8 एट द एंड ऑफ द गजल प्लेट के एंड पे ये आ जाएगा, ये चैनल के एंड पे इधर आ रहा है। तो टोटल लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी हो जाएगी, 3 + 3 = 6, और ये जब ऐड कर दोगे तो टोटल लेंथ ऑफ द कनेक्शन आ जाएगी 8.25, आपके पास लेंथ ऑफ द कनेक्शन आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो जाएगा। तो पहले हमने डिटर्मन किया, सबसे पहली क्या चीज़ थी, पहली चीज़ ये थी आपने डिटर्मन करना था, इस पूरी की थोड़ी मैं समरी बता देता हूँ, कि पहले आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड आउट करने थे। नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ, फिर बेयरिंग स्ट्रेंथ, और उधर से जितना लोड रिक्वायर्ड था उससे आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लिए। जब नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लिए फिर उनको अरेंज कर लिया दो लाइंस में। अब जब दो लाइंस में अरेंज कर लिया फिर आपने ये भी चेक करना है कि कहीं टेंशन मेंबर में यील्डिंग और फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा, ठीक है। जब वो चेक कर लिया अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकी दरमियान स्पेसिंग देखेंगे, बोल्ट्स के दरमियान ट्रांसवर्स चेक करेंगे, ट्रांसवर्स की स्पेसिंग क्या है, फिर लॉन्गिट्यूडल देखेंगे। जब लॉन्गिट्यूडल की आपने डिसाइड कर ली फिर लॉन्गिट्यूडल के बेस पर आपने बेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। अब अगर बेयरिंग स्ट्रेंथ में क्लियर हो रहा है कि बेयरिंग स्ट्रेंथ में अगर रिक्वायरमेंट मीटअप हो गई तो गुड है, फिर उसके बाद आगे ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। अब ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ जैसे मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, जब ब्लॉक शीयर में फेलियर हो जाए तो फिर आपने उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बढ़ा देनी है। सो दिस वॉज द डिज़ाइन, ठीक है। ये इस तरीके से किसी भी कनेक्शन का डिज़ाइन किया जाता है कि आपको पता हो कि बोल्ट आपने यूज़ करना है। अगर ना पता हो तो आप अपने एंड से आप खुद से अज्यूम कर लें कि मैं बोल्ट का साइज़ ये जो रखना चाहता हूँ। मिनिमम बोल्ट साइज़ हमें पता होता है 3/8 inch से यूज़ हो शुरू होते हैं, उधर से कर लें तो आप एक साइज अज्यूम कर लें बोल्ट्स का, और उसकी बेस पर जितना भी लोड रिक्वायर्ड है उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए, ठीक है जी। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हमने अभी तक बोल्ट कनेक्शन का एनालिसिस भी कर लिया और बोल्ट कनेक्शन का डिज़ाइन भी कर लिया। वी आर लेफ्ट विद द वन मोर टॉपिक, वेल्ड कनेक्शन, उसका एनालिसिस और डिज़ाइन करना है, ठीक है, एंड इंशाल्लाह वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी है।